हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अब्दुल्ला ताहिर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लवली मुंडा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया जी इस वक्त हमाम में बाल कटवाने के लिए, क्योंकि ईद आ रही है, ईद की तैयारी लाजमी है, ईद की तैयारी करनी है। तो लड़के अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, पीछे शायद खाना खा रहे हैं, तो जब आते हैं तो फिर हम बाल कटवाते हैं जी उनसे। ये हमारे चौक में ही हैं जी हमाम। ले जी दोस्तों, लड़के आ गए हैं जी, बाल काटने हमारे स्टार्ट हो गए हैं फुल प्रोटोकॉल से। सो फ्रेंड्स, ज़रा मुझे बताइएगा जी कैसे बाल काटा हो रहे हैं जी, और क्या आप सब ने बाल कटवा लिए हैं, ये भी ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, मैंने अब बाल कटवा लिए हैं जी। अच्छा, और मैं अब पहुंचने वाला हूँ जी घर। घर जाके नहाते हैं, नहा के फिर दूसरे कपड़े पहन के अपने काम पे भी जाना है, वहाँ पे जाते हैं। सो गाइस, टाइम तकरीबन 4:45 का हो गया, मैं जा रहा हूँ शॉप पे, नहा लिया है मैंने, कपड़े भी चेंज कर लिए, बाल कटवा के आया था इसीलिए। तो शॉप पे जाते हैं, देखते हैं जाके क्या सूरत हाल है शॉप। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त शॉप पे पहुँच गया, पीछे जो शीशे वाले थे वो सारे शीशे लगा गए हैं, शीशे का काम यानी कि आज ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया शीशा मुकम्मल। और आ जाए हुए हैं जी इधर मिस्त्री, ये मसाला बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वो पीछे जो वॉशरूम बनाना था वो बना रहे हैं। ये देखें जी, पीछे जो वॉशरूम बनाना था वो बना रहे हैं। सुबह के आए हुए हैं, इन्होंने ये भी दीवार खड़ी कर ली, और इस साइड से वो दीवार भी खड़ी कर ली है जी। ये भाई जो है ये वो ईंटें साफ कर रहा है बैठ के, और मोटर आगे वो कॉर्नर पे लगी हुई थी, ये भी इधर और पास ले आए हैं जी। चलो जी, ये वॉशरूम अब बन जाएगा, आसानी हो जाएगी, नहीं तो अब आगे बाहर कहीं जाना पड़ता था, यानी कि पेट्रोल पंप वगैरह पे। और ये बाकी सारा खुला है, इधर भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। करीब बाकी जी दोस्तों, अजानें होने शुरू हो गई हैं जी असर, नमाज असर की, तो फिर नमाज असर अदा करने के लिए भी हम जाते हैं जी कुछ ही देर में। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया जी 5:05 का, मैं जा रहा हूँ जी नमाज असर अदा करने के लिए मस्जिद पीछे। और जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता मुझे सिर्फ एक ही बंदा याद आता, वो मेरा यार शुएब, जब वो साथ होता था जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता था, तो अब आजकल वो साथ ही नहीं है यार। फ्रेंड्स, नमाज असर अदा कर लिया जी, अब हम जा रहे हैं जी वापस शॉप पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि सुबह हुई थी जी बारिश, हल्की हल्की सैरी के वक्त बारिश हुई, उससे मौसम आज कुछ बेहतर रहा, बादल रहे और धूप भी नहीं निकली। गाइस, आज मैं आया हूँ जी अलफरीद रेस्टोरेंट पे, आज हम यहाँ से खाना लेने के लिए आए हैं जी, मैं अकेले ही आ जाया हूँ खाना लेने के लिए। हमने काफ़ी बाकी सारे रेस्टोरेंट तकरीबन चेक कर लिए थे, तो ये इतने अच्छे नहीं लगे, हमने कहा चलें आज यहाँ का टेस्ट चेक करते हैं कैसा है, ये चेक करते हैं किस तरह का रेस्टोरेंट है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो आज यहाँ इस जगह का विज़िट करते हैं और यहाँ से खाना खा के चेक करते हैं कैसा है। तो ये लड़की पीछे से हंसी जा रही है, बातें सुन सुन के मुंह बंद कर हंसी जा रही है। गाइस, ये डाइनिंग के लिए, ये सारे नीचे हॉल है एक, और ये सारी बेकरी वगैरह भी है साइड पे। सो गाइस, ये चेक करें, यहाँ पे बेकरी भी साथ है, और ये काफ़ी पीछे अच्छी केचप वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये जो अंकल हैं ये वाले, ये मेरे फ्रेंड के बाबा ही हैं, मेरे एक साथ जिस 5 साल बड़ा था एक लड़का अजीम अब्बास, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक हम इकट्ठे पढ़े थे, ये उसके बाबा हैं। सो गाइस, ये था जी बाहर का व्यू रेस्टोरेंट का, यहाँ से खाना लेने के लिए आया था, स्टाफ बैठा हुआ है सारा खाना बना रहे हैं, बाहर ओपन ही है ये, यानी कि बंदा कस्टमर भी देख सकता है कैसे कैसे बना रहे हैं। टाइम हो गया जी इस वक्त तकरीबन 10:30 का। सो गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है जी इधर सारी साइडों पे, बारिश सुबह भी हुई थी सहरी के वक्त और अब दोबारा फिर स्टार्ट हो गई है। और मौसम बाबा जी, मुझे लगता है ईद जो आनी है ना, अब ईद बढ़िया सी होगी, वी आई पी सी ईद, ठंडी ठंडी ईद होगी, ईद का कल का दिन ही है,
तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे परसों को शायद ईद हो, तो फिर ईद भी ठंडी हो जाएगी। बाकी जी साइड पे आज शीशे वाले जो थे वो सारे शीशे लगा गए हैं जी, सारे शीशे लग चुके हैं इस साइड पे, पूरी शॉप पे सब साइडों पे शीशे कंप्लीट हो गए हैं जी। इंशाल्लाह अब अनकरीब एसी भी लग जाएंगे, कोशिश तो कर रहे हैं कि इससे पहले लग जाएं एसी, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है, ईद के बाद ही लगेंगे एसी। और बाकी जी बारिश अल्लाह खैर करे हो रही है। फिर दरान मॉल वाले जी, दरान मॉल बंद कर गए हैं अभी, तकरीबन 9 बजे ये बंद कर देते हैं। अब तो फिर 10:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया, आगे बैठे थे लड़के जाने के लिए, कुछ ही टाइम हुआ है वो गए हैं वापस। तो गाइस टाइम हो गया जी अब तकरीबन 12:30 बजे का, शॉप तकरीबन पीछे बंद कर दी है जी, और हम भी अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो बाकी जी गाइस आज था जी 28वां रोज़ा, अल्लाह खैर करे कल होगा 29वां, जब मेरी वीडियो आएगी फिर 29वां रोज़ा होगा वैसे। तो बाकी जी गाइस 29वें रोज़े फिर देखेंगे अल्लाह खैर करे, इस साल फिर 29 रोज़े होते हैं, या 30 पूरे मुकम्मल होते हैं, तो अब देखते हैं अल्लाह खैर करे। सो फ्रेंड्स टाइम हो गया जी तकरीबन 1 बजे का, और मैं जा रहा हूँ जी वापस घर, और क्या उसको कहते हैं जी अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, और अब जल्दी जल्दी से घर पहुँचें, और घर जा के फिर अपना क्या उसको कहते हैं जी फ्रेश हों, कपड़े चेंज करूँ, और जल्दी जल्दी से सो जाऊँ, सुबह को सैरी भी करनी है जल्दी जल्दी से। बाकी जी गाइस मेरे पास है जी इस वक्त फ्लैक्स, ये फ्लैक्स पीछे गिरा हुआ था, मैंने कहा चलो यार ये बेचारे की बेइज्जती हो रही है जिसका ये गार्डन है, इसीलिए इसको उठा लो, उठा के कहीं यहाँ पे रख दें या घर ले जाएं। ये फ्लैक्स जो है ना फिर किसी ना किसी काम आ जाते हैं, तो अब इस्तेमाल कर लेंगे। अब वहाँ पर भी तो पड़े हैं वो सड़क पर ना, जो क्या उसको कहते हैं शॉप के सामने सड़क पे साइड पे, ये हवा आगे चली है ना अंधेरी काफ़ी ज़्यादा, तो वो उड़ गए थे और वहाँ पे गिरे हुए थे। बाकी जी सो फ्रेंड्स अब हम घर पहुँच चुके हैं जी, लो जी यहाँ पे आ गया हमारा घर ये, और वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है लवली मुंडा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।